हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर टॉक में आप सभी का। इस ट्रैक्टर के ब्रेक में प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या दिक्कत है। तो आज हम इसकी ब्रेक की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर के जब भी हम राइट साइड का ब्रेक मारते हैं तो हमारे पैर को ऊपर की साइड फेंक के मारता है, और इसका ब्रेक ड्रम भी ऊपर नीचे की तरह ऊपर नीचे हिल रहा है। अब आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये कैसे हिल रहा है ऊपर नीचे, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, और पैर को भी ऊपर की साइड फेंक के मार रहा है, देखो। तो आज हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ये मैं आपको अच्छे दिखा देता हूँ, आप एक बार फिर से देख लीजिए। देखो कैसे ऊपर नीचे की साइड हो रहा है। तो हम सबसे पहले हम इसका साइड का टायर पहिया उतार के ले लेंगे। हमने उतार लिया और फिर हम इसका मरघाट भी खोल के ले लेंगे। सभी बोर्ड खोल के ले लेंगे मरघाट के हम। दो बोर्ड ये खोल के लेंगे, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमने इसका मरघाट उतार के ले लिया, आप देख सकते हैं। और अब हम इसका ब्रेक ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये किस लिए और क्यों हो रहा है। सबसे पहले हम इसके ब्रेक ड्रम का ऑयल बाहर निकाल के ले लेंगे, फिर इसके ड्रम को हम ओपन करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे यूट्यूब चैनल को, और वीडियो को लास्ट तक देखना। आप देख सकते हैं इसमें ऑयल भी आ रहा है। ब्रेक की पिन निकाल के ले लेंगे बाहर। और इसके ब्रेक स्प्रिंग भी दोनों निकाल के ले लेंगे। और अब हम इसका आपको ब्रेक ड्रम के सभी बोल्ट जो है वे खोल के दिखाएंगे। देख सकते हैं आप ये ड्रम कैसे ऊपर नीचे की साइड हिल रहा है, इसकी क्या वजह है, मैं आपको आज पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूँ। सभी बोल्टों का हम ओपन करके ले लेंगे, मैं आपको सभी बोल्ट खोल के दिखाता हूँ। इसमें 19 mm के बोल्ट होते हैं सभी।
अब हम ब्रेक ड्रम को बाहर निकाल के ले लेंगे। देख सकते हैं हमने ड्रम बाहर निकाल के ले लिया है। अब हम इसकी ब्रेक, जो ब्रेक प्लेट होती है, हमें बाहर निकाल के लेंगे इससे, और आपको बताते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो हमने इसका ब्रेक निकाल के ले लिए हैं ब्रेक प्लेट भी। अब हम इसकी जो ब्रेक ड्रम के पीछे की प्लेट होती है वो ओपन करके लेंगे। दो बोल्ट होते हैं 19 mm के, इनको खोल के ले लेंगे। फिर उसके पीछे भी इसमें बोल्ट होते हैं, देखते हैं कि वे लूज हैं कि क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको दिखाता हूँ खोल के इसको। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट तक देखना, इसकी बिल्कुल मत करना वरना आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो हम इसका पैकिंग हटा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका, इसे केज बोलते हैं, जो कि केज के बोल्ट इसके लूज हो रखे हैं। और अब हम इसका पैकिंग हटाकर इसके बोल्ट दिखाते हैं आपको कितने लूज हैं। ये देख सकते हैं कितने लूज हैं ये बोल्ट, सभी बोल्ट इसके इतने ही लूज हैं। तो हम इन बोल्टों को अच्छे से टाइट करके ले लेंगे और फिर इसको ब्रेक ड्रम को फिट करेंगे। इसके पैकिंग पुकिंग जो पैकिंग है ये भी चेंज करके लेंगे ड्रम के। इसकी वजह से ही ये ब्रेक ड्रम देख सकते हैं कितना लूज़ है, सभी बोल्ट इतने लूज़ होंगे। तो इन्हें टाइट करके ले लेंगे अच्छे से। इसी की वजह से ब्रेक ड्रम ये ऊपर से नीचे की साइड हो रहा था, और ब्रेक जो पैडल है, अगर हम ब्रेक पैडल को चलते हुए दबा दे तो उल्टा फेंक के मारता था ट्रैक्टर ब्रेक को, पैर और हमारे पैर को भी, जिससे चोट लग सकती थी इसलिए। और ब्रेक में भी दिक्कत थी कि दोबारा प्यार से दबा दे तो लगता नहीं था, एकदम लगता था, तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकती थी। तो मैं अच्छे से बोल्ट को टाइट करके ले लूँगा। आप देख सकते हैं टाइट करके ले लेते हैं बोल्टों को, फिर आपका आगे प्रोग्रेस दिखाएंगे। दोस्तों ब्रेक हमने इसमें नए डाले थे काफी दिन पहले, तो उनको ब्रेक इसकी खराब नहीं है, सिर्फ यही प्रॉब्लम थी जिससे ब्रेक ऊपर नीचे की साइड हो रहा था और दिक्कत कर रहा था। अच्छे से बोल्ट टाइट करके ले लिए हमने इसके, एक 19 mm का होता है इसमें, ये भी अच्छे टाइट करके ले लेंगे। हमने इसका पैकिंग साफ करके ले लिया। आप देख सकते हैं प्लेट का, हमने सभी ब्रेक ड्रम को भी क्लीन करके ले लिया है। और देख सकते हैं हमने सभी अच्छे से क्लीन करके ले लिया और ये बोल्ट अच्छे टाइट करके ले लिया है। और अब हम इस पर इसके ब्रेक को फिटिंग करेंगे। ये इसके ब्रेक के पैकिंग आप देख सकते हैं, दोनों महिंद्रा एंड महिंद्रा के। और ये ब्रेक पैकिंग है। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसकी प्लेट को फिटिंग करेंगे, करके दिखा देता हूँ आपको।
दोस्तों हम इसकी प्लेट फिट करने वाले हैं। ये हमने अंदर के बोल्ट अच्छे टाइट करके ले लिए, सभी के सभी 16 का और एक 19 का होता है और बाकी सब 16 के होते हैं। इसमें प्लेट पर 2 19 mm के बोल्ट होते हैं जो कि पहले टाइट होते हैं ब्रेक ड्रम लगने से पहले, और बाकी के बोल्ट ब्रेक ड्रम लगाने के बाद। तो अब हम इसकी बोल्ट टाइट करके लेंगे। सबसे पहले हम इस प्लेट का बैलेंस बना लेंगे एक ड्रम का बोल्ट लगा के ऐसे, जिससे कि ये इधर उधर ना जाए, सेंटर पे ही ये बोल्ट अपनी जगह पर ही टाइट हो जाए। तो हम पहले टाइट करके ले लेते हैं, आपको दिखा देते हैं इसको। हम अच्छे से टाइट करके ले लेंगे इसको और फिर हम इसके ब्रेक फिट करेंगे। और दोस्त तो ये हमारे किसान भाइयों के साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे कि और दिक्कत आती है इससे बहुत। तो अब हम इसकी ब्रेक की प्लेट की जगह से अच्छे सफाई करके ले लेंगे। वैसे हमने इसे क्लीन करके ले रखा है। तो सबसे पहले हम एक प्लेट लगा के ले लेंगे इसकी। इसमें हमने ब्रेक ड्रम अभी नया डाले थे थोड़े दिन पहले, तो इसलिए हम इसके ब्रेक नहीं बदलने हैं। उसके बाद एक प्लेट डालेंगे, प्रेशर प्लेट डालेंगे, फिर प्लेट डालेंगे, ब्रेक प्लेट डालेंगे, फिर प्रेशर प्लेट डालेंगे, फिर प्लेट डालेंगे और फिर प्लेट डालेंगे और फिर प्रेशर प्लेट डालेंगे। और इनके जो ऊपर के जो गोल जिनमें होल होते हैं, इसमें इन्हें सबको एक जगह करके ले लेंगे। अब हम जो इसकी स्टील की प्लेट होती है उन्हें तीनों को एक साइज में लेके आएंगे और इसमें एक पैचकस की मदद से एक होल होता है सामने, ऐसे देख सकते हैं आप। इन्हें तीनों को ऐसे कंप्लीट करके रख लेंगे। मैं पैचकस लगाऊंगा, जो कि ये बोल्ट वैसे ही मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया है। और फिर हम इसके ड्रम के अंदर को वे पैचकस लगाएंगे। यहाँ को देख सकते हैं ये बोल्ट है, इसमें ये बोल्ट खोलने के बाद हम यहाँ पे इस पैचकस की मदद से स्टील की प्लेटों को रोक के रखेंगे, ताकि वे ड्रम के और पैकिंग के बीच में ना आए। चलिए आप देख सकते हैं ऐसे, तो ये ऐसे तो नहीं लग पाएगा, देखते हैं लगता है कि नहीं लगता। वैसे नहीं लगेगा क्योंकि पैचकस ड्रम में के आर पार नहीं हो पाएगा। तो फाइनली हमने लगा लिया, आप देख सकते हैं। और अब हम इसके जो ब्रेक शू होते हैं ड्रम को, इसको इसके फेस पर बिठाएंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा एक्सल घुमाना पड़ता है, क्योंकि एक ड्रम के अंदर की साइड एक ब्रेक शू प्लेट होती है, वो अगर नहीं बनी तो प्लेट ख़राब हो सकती है। तो अच्छे से बिठा के देख के लेना होता है। और अब हम इसके बोल्ट लगाएंगे, और हमने जो पैच कर लगाया था वो ऐसे ही लगा रहेगा। इतने हम इसके सभी बोल्ट नहीं लगाएंगे। अगर हमने पहले बोल्ट निकाले तो प्लेट नीचे गिर सकती है और ड्रम के और पैकिन के फेस के बीच में आ सकती है, तो इसको बाद में निकालेंगे। एक बार हमें चेक कर लेना है कि स्टील की प्लेट कोई नीचे की साइड तो नहीं रह गई। तो हमारी प्लेट नीचे की साइड दे रही है, तो हम ड्रम के सभी बोल्ट लगा के ले लेंगे। दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
हम इसको बोल्टों को अच्छे टाइट करके ले रहे हैं और मैं आपको सभी फिटिंग करके दिखाऊंगा। फिर इसकी पहले हम ब्रेक को अच्छे टाइट करके ले लेंगे। अब हम इसको बाहर निकाल के ले लेंगे। देख सकते हैं आप, ये पहले नहीं निकालना है, पहले हम ड्रम को ड्रम के फेस पे बिठा के तब निकालना होता है। अगर आप पहले निकालोगे तो प्लेट नीचे की साइड गिर सकती है और फिर बनने में दिक्कत करेगी, फिर से ड्रम बाहर निकालना पड़ सकता है हमको। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि ये हमें पहले नहीं निकालना है। इसमें कंपनी ने दे रखा है ये ऐसे ही प्लेटें रोकने के बाद ही फिट होता है। तो हम ड्रम को टाइट करके ले रहे हैं। अब टाइट करने के बाद बताता हूँ मैं आपको फिर हम क्या करने वाले हैं। अच्छे से टाइट करके लेना है हमें ताकि ड्रम अब कभी अब की बार ड्रम लूज हो जाए। पहले तो केज लूज हुआ था, कभी अगर बोल्ट अच्छे टाइट नहीं होते तो ड्रम भी लूज होने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए अच्छे से टाइट करके ले लेंगे। दोस्तों हमारा ड्रम कंप्लीट हो चुका है, हमने ऊपर का पायदान भी फिट कर लिया है इस पर और मैं आपको पूरा ट्रैक्टर कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ। अब इसका मरगार्ड और बैक पिछला पहिया फिटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारा ट्रैक्टर कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप, हमने पूरा ट्रैक्टर को कंप्लीट करके ले लिया है और अब हम इसको चला के चेक करेंगे। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है और हमारे पैर को ऊपर की साइड भी नहीं फेंक के मार रहा है, आप देख सकते हैं। मैं आपको पीछे से भी दिखाऊंगा इसको, यहाँ से भी दिखाता हूँ, यहाँ से भी ठीक है बिल्कुल। पहले ऊपर नीचे की साइड हिल रहा था, इसमें यही प्रॉब्लम थी दोस्तों। तो मैं आपको अब आगे की साइड से दिखाता हूँ ट्रैक्टर के ब्रेक चेक। दोस्तों हम दोनों ब्रेक चेक करेंगे अब, बराबर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।